वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है ये शराइत वक्त पर पूरी होंगी और IMF बोर्ड बर वक्त प्रोग्राम की मंजूरी देगा। इफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई में कमी खुशाइंद है। अगस्त में महंगाई बढ़ेगी 9.6% रही है। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात जो भी शराइत उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है 9.6%, तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। तो अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है।